चाइल्ड सपोर्ट। तुम्हारे पास वो कोड है? ये हेलीकॉप्टर फिर से कहां से आ गया? डरो मत, मैं पुलिस वाला हूँ। मेरा नाम चैन है, मैं ईस्टर्न सबस्टेशन का इंस्पेक्टर हूँ। अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही जिंग हो ना? इस शहर के सारे पुलिस वाले तुम्हें जानते हैं ना? तुम्हारी ये फोटो तो ले लूं क्या? चलो स्माइल। नहीं चलो बाहर आओ। दोनों की एक फोटो। तुमने E-70 के यात्रियों को सफलतापूर्वक बचाया था ना, और उन आतंकवादियों की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया था। मीडिया वाले तुम्हें एक जाबांज पुलिस ऑफिसर समझते हैं। तुमने 3 बार चैंपियनशिप जीती है और उसमें मैं दूसरे नंबर पर था। इसके बावजूद भी शुदा नाम का एक वांटेड क्रिमिनल तुमसे बच कैसे गया, बताओ? और बता, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी इसी केस पर काम कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें वहां लटका हुआ देखा। मुझे पता है तुम शर्मिंदा हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा। ए, ये तो मेरा केस है। अच्छा, देखो इसके अंदर जो फोटो कैद है ना, वो हमारी दोस्ती बयां करेगी। ओक, फॉरेंसिक ऑफिसर से बात करो, हाईवे नंबर 3 पे सबूत जमा करने के लिए भेजो। इन खूनी आतंकवादियों के सामने हम कभी नहीं झुके। हमें खुद पर विश्वास है, हम इनसे निपट सकते हैं। अब तक हम लोग मरने चाहिए थे। हम अब ये सह नहीं सकते। अब तक हम फैसले से बचते आ रहे थे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, ये कोई मजाक नहीं है। मेयर, ये सारे लोग अब तक के सबसे खतरनाक वांटेड क्रिमिनल्स हैं। मैं अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये धार्मिक अनुष्ठान सबके लिए है। जिस नंबर पर आप कॉल करना चाहते हैं वो इस समय व्यस्त है, इसके बाद आप अपना संदेश छोड़ सकते हैं। एक अर्जेंट केस पर जा रही हूँ, शहर में हुए हादसे पर वापस जा रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। आज कुछ भी हो जाए हमें मिलना होगा, और हमेशा की तरह तुम गायब मत हो जाना, हमें बात करनी होगी। हटो मेरा रास्ता छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे हो? आगे नो एंट्री है, रुक जाओ यहीं पे। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे।
हाँ हाँ ठीक है, एक्सक्यूज मी, आपके लिए फोन। हेलो, सारे पर्दे खोल दो, सारे पर्दे खोल दो। सारे बलिदानों का आज हमें उत्सव मनाना है। सुंदर भविष्य का आज हमें मिलकर जश्न मनाना चाहिए। इस नए हार्बर सिटी में आपका स्वागत है। मेरी कार को क्यों देख रहे हो? तुम्हें चलानी है? मैं क्यों दूं? ए, ए, ए! हेडलाइट या फिर कांच? नहीं, दोनों भी नहीं। मेरे पास एक और रास्ता है। चाबी दो। बहुत खतरनाक है, मैं जानता था। ऐसे क्यों देख रहे हो? संभल के गाड़ी चलाना, मेरे घर को बर्बाद मत करना। हमारी सारी सेना भेज दो, इस पूरे शहर के मेन रोड पर तैनात कर दो। मेरे पास उन सब के प्रोफाइल्स लेकर आओ जिन लोगों को बॉम्ब बनाने की सारी जानकारी है और जिनका कोई पुलिस रिकॉर्ड भी ना हो। ठीक है सर। जी सर, संदिग्धों के सारे प्रोफाइल्स मेरे पास हैं। मैं उन सब पर निशान लगा देती हूँ। हार्बर स्टेशन के पास सूजिंग, क्रॉस सी ब्रिज पर ताओसैंग, इस मेन ब्रिज पर चैनफ्लाई, सेंट्रल स्टेशन पर सी चैंग, हार्बर मार्ट में सी यू सैंग। सारा आरडीएक्स पेट्रोल कार और एम्बुलेंस में भरा है और ये हादसे रास्ते के बीचों बीच हो रहे हैं। शहर से संपर्क खत्म करने का एक ही रास्ता है, मैन आयरन ब्रिज। जब वहाँ पहुँचोगे संभल कर रहना, वहाँ सारे आतंकवादी और क्रिमिनल्स हैं। हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, वो सारे आतंकवादी हैं और वो सारे वांटेड क्रिमिनल्स हैं। सुनो जिंकोंग, उसमें से एक सुदाफू है। मुझे लगता है तुमने ऐसा बोला था। सुदाफू समंदर में गिरकर मर गया था जब उस प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई थी। इसका मतलब, चलो देख लेते हैं, बाद में शायद हमें एक सुदाफू का भूत देखने को मिल जाए। हाँ, सारे यूनिट्स ध्यान दीजिए, अचानक पेट्रोल कार्स और एम्बुलेंस अगर आपके आसपास नजर आए तो उन्हें रोककर उनकी तलाशी ले, यही आदेश है।
बोलो जिंग चिंग, जरा सा रुको, मैं फोन पर जिंग से बात कर रहा हूँ। चलो अब तुमसे बात करता हूँ। हक, क्या तुम बता सकते हो ये क्या है? इससे सिग्नल पकड़ने में आसानी होती है। जी चिंग, इसे मेरे सिस्टम से कनेक्ट कर दो, जिससे मैं ये जान सकूं कि इसे कौन इस्तेमाल कर रहा है। मुझे एक मिनट दो। सारी यूनिट्स नॉन आयरन ब्रिज पर अनजान लोग हमला करने वाले हैं। सारे सैनिकों को सुरंग में मदद करने के लिए भेजा है। इस वक्त ड्यूटी पर रहे हैं। सुनो, उसे रोको। मेरे रास्ते से हट जाओ। कर रहा हूं तुम? सुनो जेनी, मैंने इसके बारे में पता लगाया है। ये एक ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम है। ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम? उन्होंने मुझे 30 किलोमीटर के बाद लेफ्ट लेने के लिए बोला है। मुझे उस समय के अंदर पहुंचना ही होगा। सुनो जिंग, सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं, सारे गुनेगार दोस्तों को गुड बाय बोलना होगा। ये क्या कह रहे हो? मुझे मारने का इरादा है क्या? क्या कर रहे हो? वो गाड़ी नहीं रुकेगा तो मुझे उसे मारना ही होगा। टाइम की वजह से धमाका नहीं होने वाला है, जगह पर होगा। रुको, रुको। अगर तुम्हें मारना है तो तुम उसे मार दो। चाहते हो कि वो रुके तो मत मारो उसे। मैं नहीं मारूंगा तो भी वो ऐसे ही मरने वाला है। अगर वो जगह पर पहुंच जाएगा तो वो सुरंग को उड़ा देगा, तब हार्बर शहर से बाहर निकलना मुश्किल होगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? शायद तुम ठीक कह रहे हो। ये तो क्रॉस सी ब्रिज है, ये हाई स्पीड रनवे है। ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम बता रहा कि सब फटने वाले हैं इसी वक्त। ये तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। क्या कर रहे हो तुम? लोग भी मेरे साथ ही मरना चाहते हो क्या? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? तुम्हें कोई क्यों नहीं पसंद करता? तुम्हारा पार्टनर बनना मतलब मुसीबत को दावत। जुड़ा पाओ।
पूरी कार बर्बाद कर दी। हट जाओ मेरे रास्ते से तुम। देखो ये बम अभी फटने वाला है, मर जाओगे तुम साथ। हट जाओ, तुम्हें अभी फटने वाला है, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। मैं तो ठीक हूँ, ये तो इस टाइमर की वजह से तुम बेवकूफ मत बनो। ये उस वक्त फट सकता है जब तुम उनकी बताई जगह पर पहुंचोगे। कोशिश करके देखो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो तो। तुम्हें छोड़ दूंगा, पर ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुमने इसे छोड़ दिया, बहुत अच्छे। मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहता, मैं तो ज़ियाउ ज़िंग के साथ आराम से रह रहा था। कहीं से ये कभी नहीं आ गए और हमें लेकर चले गए। मेरी पत्नी उनके पास है, ये सब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, मुझे उसे बचाना ही होगा। सुनो, तुम मेरी गन ले जा सकते हो। अपना मुंह बंद रखो चैन, मुझे इससे कुछ पूछना है। मुझे ये बताओ तुम्हें कौन ले गए थे और वो लोग कैसे दिखते थे, क्या चाहते थे वो तुमसे? मुझे क्या पता, तुम्हें दिखता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं। ये मेरा अपराधी है और मैं इससे पूछताछ कर रहा हूं। अपराधी? देखो, तुमने इसे छोड़ दिया तो ये तुम्हारा अपराधी नहीं रहा, मेरे हिसाब से तुम भी अपराधी हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने एक अपराधी को छोड़ा मतलब कानून को तोड़ा। तुम लोग बार बार मुझे अपराधी क्यों बोल रहे हो? अगर ये फटा तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे। अगर कोई काम नहीं है तो कम से कम इसे डिफ्यूज करो। चलो करो। तुम आगे मत आना, समझ गए? क्लास टू सब लोग अलर्ट। हम पुलिस वाले हैं, हिलना मत, हाथ ऊपर करो। तुम यहां क्या कर रहे हो? देखिए थोड़ा बच के रहियो, अगर इसे तुम उस जगह पर ले जा रहे हो और तुम लोगों के पास कोई कीमती सामान है तो वो सब बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा आराम से, इधर। कैप्टन, यहाँ पर बहुत सारे बम हैं। हथकड़ी लगाकर इन्हें हेडक्वार्टर्स ले चलो। जरा देखिए हमारी बात सुनिए। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे सुनो तो, सुनिए, देखिए हम पुलिस वाले हैं, हम यहाँ कुछ चुराने नहीं आए थे। चौकन्ना रहो। मिनट के अंदर मुझे खोल नहीं सकते। सिर्फ 5 मिनट, अभी हम सारे लोग मरने वाले हैं। मैं दुश्मन नहीं हूं, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। सब तैयार हो जाओ। सब मरने वाले हो, क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है? मुझे बहुत डर लग रहा है।
मेरी मदद करो। इस एम्बुलेंस में धमाका क्यों नहीं हुआ? ये वही है, यही उन लोगों का लीडर है। सुनो, मेरी पत्नी का है। वो उस आदमी के साथ कार के पीछे छुपा हुआ है जो सदर्न सब स्टेशन से है। तुम्हें काबू में करना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजने के लिए मैंने पुलिस रेडियो का इस्तेमाल किया, फिर भी तुम यहां तक पहुंच गए। तुम इस जानते हो? सुनो हीरो, तुम्हारा कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसका हर्जाना सदर्न पुलिस स्टेशन को चुकाना पड़ा। मैं तो तुम्हारा पीछा 3 महीनों से कर रहा था। मुझे तो लगा कि तुम एक बहुत बड़े अपराधी हो। तुमने इतनी सारी जगह तबाह कर दी सिर्फ हमें पकड़ने के लिए। इतनी बड़ी बेवकूफी तुम कैसे कर सकते हो? उसे उलझा रहा हूँ। उसे उलझा कर क्या करोगे? ऐसा करके तो देखते हैं। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। क्या तुम सब अपने हथियार नीचे डाल सकते हो और खुद को मेरे हवाले कर सकते हो? तो तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा मैं। जाओ, खत्म कर दो इन्हें। टाफू मैं जानता हूँ ये बम फट सकता है, गोली चलाओगे तो हम सब मरेंगे। तुम्हारे साथ कौन मरना चाहता? मैं नहीं मरना चाहता। अभी तुमने फिर से मुझे अपना ढाल बनाकर मुझे इस्तेमाल किया है। देखो इसे और बताओ, तुम हमारे साथ मरना चाहते हो या फिर हमें यहाँ से जाने दोगे? तुमने तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तुम दोनों दुनिया के सबसे बेवकूफ पुलिस वाले हो। वो बक्सा खोलो। क्या? बक्सा खोलो। सुरंग को उड़ा देंगे। ये तो डेड एंड है। देखो वो फिर क्यों चमकने लगा? ये तो दोबारा चालू हो गया। इसे दोबारा चालू कर दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे? जरा इसे पकड़ो। दरवाजा भी बंद हो चुका है। लगता है हम लोग मर जाएंगे। हम सच में मरने वाले हैं। ए, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। इसे पकड़ो। ये तुम क्या कर रहे हो? इसके अंदर, इसके अंदर। रास्ते बंद हो गए। अंदर तो हम सच में मर ही गए थे।
सुनो, तुम तो जख्मी हो गए हो। लगता है उस पट्टे के साथ एक गोली भी मारी गई थी। इसे दबा कर रखो। मैं मरने वाला हूं, मुझे अपने पत्नी को जल्दी छुड़ाना होगा। नहीं, मुझे पता है वो कहां है। हाईवे नंबर 9 के पास काम चल रहा है, वो वहीं पर है। उसे दूसरे अपराधियों के परिवार के साथ रखा हुआ है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, एम्बुलेंस का इंतजार करना होगा। मैं नहीं कर सकता, वो तो मैं हमेशा खुशियों का इंतजार कर रहा था। यहाँ और रुका तो उसे भी खो दूंगा मैं। संभल के। अगर इसका खून इसी तरह बहता रहा तो यह 10 मिनट के अंदर मर जाएगा। क्या तुम अकेले इसे बचा सकते हो? मैंने कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन तुम्हारे गंदे मुंह से ऐसा सुनूंगा ये नहीं सोचा था। एक कार का बंदोबस्त करो, जाओ। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, 7 महीने की। मैं नहीं जानता कि वो लड़का है या लड़की, पर मेरा पैर सुन पड़ गया। उसे वादा करो मेरी पत्नी को सही सलामत बचा कर ले आओगे। बोलो। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। मैं जानता हूं उसे वापस लाओगे तुम। तुमने एक एरोप्लेन ही बचाया था, मुझे अब कोई पछतावा नहीं है। मैं खुशी से अपनी पत्नी के साथ रहता था। अभी 7 महीने पूरे हो चुके हैं। मैं छोड़ना नहीं चाहता था, उसे गंवाना नहीं चाहता, बस इसका ही मुझे अफसोस है। सदन पुलिस स्टेशन उड़ा दिया है। चीफ, जो सदन पुलिस स्टेशन में हुआ अभी इस वक्त से तुम मेरी निगरानी में रहोगे। चीफ, मुझे बताया गया था सब स्टेशन में धमाका होने वाला है, मुझे इसे खत्म करना है जानमाल का नुकसान होने से पहले। जिंग, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। साथ जाकर क्या करोगी? तुम इसके लिए मरना चाहती हो? तुम अब तक केस को इन्वेस्टिगेट करना भी नहीं सीखे। बताओ तुम क्या सीख पाए हो? सिर्फ बहादुरी से कुछ नहीं होता। जुडाफू अब वापस आ गया है। तुम एक जिम्मेदार पुलिस वाले हो, तुम्हें पता है कि यह तुम्हारी ड्यूटी है। अब हम ज्यादा तबाही नहीं देख सकते। जब हालात इतने बुरे हैं तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कहां जा रहे हो? यही फैसला है, चाहे वो जिंदा रहे या मर जाए, मुझे इन सब की जांच करनी होगी, समझे? रुको सिंह, मैं पुलिस की नौकरी कई सालों से कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं देखा। मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा।
नहीं ऑफिसर। चीफ तुम्हारी चाबियां मुझे दे दो। चीफ सुनिए, तुम कहीं नहीं जाओगे। चीफ मैं कैप्टन चेन। तुम चेन जेन ईस्टर्न पुलिस स्टेशन से। मैंने आपके बारे में बहुत सुना। क्या चाहिए बताओ। मैं तुम्हारे साथ हूं जिंग। वाह, ऐसा खास रिश्ता एक पुलिस वाले के साथ और एक वांटेड अपराधी के साथ। अब सब कुछ ठीक है, अब वो वापस नहीं आएगा, पक्का मरेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? बता तुम क्या जानते हो? हाँ, मैंने ये जूडा फू को जाने दिया। हाँ, कानून की नजर में वो एक अपराधी है। जानते हो उसने कितने लोगों की जान बचाई? ये कोई और नहीं जानता है। कोई नहीं जानता कि उसने हार्बर सिटी के लिए क्या किया है। उसने अपनी जान खतरे में डालकर मेरा साथ दिया था। तुम्हें अब भी लगता है कि वो अपराधी है? लेकिन मेरे लिए वो पार्टनर है। और एक पार्टनर को खोकर कैसा महसूस होता है ये तुम नहीं जानते। तुम किस लिए इतना दुखी हो? अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो तुम कभी सच्चाई नहीं बताते और हमेशा राजी रहता। मुझे यहां से जाना ही होगा। डू सिंह को वापस लाना ही होगा। उन सब कमीनों को पकड़ना ही होगा। मेरी मदद करो। क्या कहा? मेरी मदद करो। इस शहर का सुपर हीरो मुझसे मदद मांग रहा है, लेकिन इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है ना? हे, मैंने तुम पर एहसान किया है, एहसान का बदला तो चुकाना ही होगा। चीफ, उन पत्थरों के पीछे अभी भी कोई है। मैसेज मिला था? मुझे ये जानना है। मुझे जानना है तुम सलामत हो या नहीं। हो जाएगा, मुझे पहले इसका इलाज करना होगा, ये ठीक हो जाएगा। हक हक, क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? कंप्यूटर। हाँ? मुझे कंप्यूटर दो। क्या उन लोगों ने कुछ चुराया है या फिर उन्होंने किसी से पैसों की मांग की है? नहीं जनरल, मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन हम उन सिग्नल को ट्रैक कर रहे हैं ईएमपी बैटरीज के जरिए। हम लोग जल्द ही उनका पता कर लेंगे। बस एक बार हमें पता चल जाए कि वो लोग कहां छुपे हैं। हमें ईएमपी वापस चाहिए। जी सर, और कुछ? यस सर, हमारा उद्देश्य ये है कि ये मिशन पूरा हो जाए, हम ईएमपी को वापस लाएंगे। महत्वपूर्ण गवाह सिक्योरिटी पैसे से गुजर रहा है और वो जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, लू योंग जेन जो सारे स्पेशल फोर्स को संभालते हैं,
तुम्हें इसलिए यहाँ लाया गया है क्योंकि तुम उनका प्लान हमें बताओ। ये पूछताछ करने का आपको कोई अधिकार नहीं। देखो, ये आपातकालीन स्थिति है, हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है। शहर में जो ब्लास्ट हुए हैं वो 9 लैडर्स का काम लगता है। हमें लगता है कि उन्हीं का उसमें हाथ है। तुम उनके बारे में क्या जानती हो? वो एक हथियारबंद और खूनी सेना है। जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है ये उनका तरीका बिल्कुल भी नहीं है। मैं और कुछ नहीं बता सकती। हमें डिफेंस डिपार्टमेंट के फोन कॉल से ये पता चला है कि निशान जो इसके हाथ पर है, उन्होंने हमारा ईएमपी और कोर्स भी चुरा लिए हैं। क्या कहा? तुम लोगों ने ईएमपी खरीदा था? क्या तुम जानती हो कि वो ईएमपी का क्या करने वाले हैं? मुझे अभी यहाँ से बाहर जाना है, मतलब इस शहर से बाहर जाना है। ठीक है, तुम जहाँ भी जाना चाहोगी हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे, लेकिन बाद में, क्योंकि पहले तुम्हें सब कुछ बताना होगा, उसके बाद ही तुम जा पाओगी। तो ये बताओ कि अब तक तुम्हें क्या जानकारी मिली है? मैं उनके पिछले मिशन में थी, और तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? एक साल से तुम्हें नजर बंद हूँ। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि ये हाथ उनके लीडर का ही है ना? उसके पास एक बायोकेमिकल हथियार है जो कि बहुत ही खतरनाक है। बताओ, ये हाथ उसी का है ना? अगर ऐसा है तो हम सब मर जाएंगे। उनके पास ईएमपी और बायोलॉजिकल दोनों हथियार हैं। क्या तुम प्रोजेक्ट है के बारे में जानते हो? देखो, काम के समय फोन स्विच ऑफ होना चाहिए। हेलो, सुनो सिंह, मैं लेन बोल रही हूँ। तुम ठीक हो? सबस्टेशन में सब लोग कैसे हैं? अब तक हमें कैजुअलिटीज के बारे में पता नहीं है, लेकिन उन्होंने वहाँ से ग्रीन और हक को बाहर निकाल लिया है। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। हक को ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में पता चला था जो वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और वो सिर्फ मिलिट्री वालों के पास होता है। हमें उनके गुप्त संदेश का भी पता चला है जो बताता है मिलिट्री ने अपनी पूरी सेना भेजी है ताकि वो हाईवे नंबर 9 को खत्म कर सके। मुझे लगता है कि वो इनसे संबंधित है। हाँ ठीक है, समझ गया। सुनो, अपना ख्याल रखना। क्या पता चला तुम्हें? ब्लैक हॉक भी यहाँ आ रहा है। क्या? ए, रुक जाओ, जरा सुनो तो। अपनी मिलिट्री बहुत ही ताकतवर है। क्या तुम्हें पता है कि हमारे लोग इस मिशन में मारे गए हैं? ये 5 सालों से चल रहा है। तुम्हें लगता है हम उनका मुकाबला ऐसी गन्स के साथ कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है वो पहले किसे मारेंगे? थोड़ा रुको तो सही, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम खतरनाक आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, और ब्लैक हॉक से भी सामना होगा। सुनो, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सुपर हीरो हो? चीफ, वहां से 2 आदमी हमारे काम के बीच में आ रहे हैं। मुझे वो दोनों पुलिस वाले लग रहे हैं। अब ये पुलिस वाले यहाँ क्या करने आए हैं? क्या वो लोग यहाँ सब उड़ाने आए हैं? सुनो, हमें बात करनी होगी। अगर जरूरत हो तो मारना भी पड़ेगा। तैयार हूं। वहां देखो, चलो यहां से वापस चलते। ए, नहीं, ए, अरे, अरे, अरे। हमारे टर्मल डिटेक्टर के अनुसार बिल्डिंग ए और बी में 6 दुश्मनों की जानकारी मिल रही है। सेक्शन ए से ईएमपी के सिग्नल मिल रहे हैं। टीम 1 और 2 को उनका सामना करना पड़ेगा। टीम 3 को कंट्रोल रूम से दुश्मनों का सफाया करना पड़ेगा, और बाकी के लोग मुझे वेंटेज पॉइंट पर मिलो। सर, हमें हमारे हेडक्वार्टर की रक्षा के लिए यहीं पर रहना होगा। मैं ईएमपी सेंटर जा रहा हूँ। अगर वो लोग ईएमपी शुरू करें तो भी उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है जो बचा सकती है उन्हें। मैं मिनिस्टर्स को डायरेक्टली वहां से रिपोर्ट करूंगा। बंदूक के नीचे रख दो। हम लोग पुलिस वाले हैं। यहाँ के हालात पुलिस वाले नहीं संभाल सकते। हमारा मकसद एक ही है, हम आपकी मदद करेंगे। दुश्मनों को खत्म करना ही हमारा मिशन है। अगर तुम हमारे बीच में आओगे तो तुम हमारे दुश्मन हो। बंदूक के नीचे रख दो। हम्म,
तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा, गन नीचे रख दो। पंतियों को छोड़ो, जाओ। ईएमपी डिफेंस प्रोसीजर को शुरू कर दो। ये आर्मी चीफ जनरल का सामान है, शुरू करने को तैयार है। इसका ऑथोराइजेशन कोड है PG00347। यस सर, अब ये तैयार है। ईएमपी डिफेंस सिस्टम शुरू हो गया है। सब लोग ध्यान दो, नाइट वॉकर्स भी हमारे दुश्मन हैं। जब तक आखिरी दुश्मन खत्म नहीं हो जाता, तुम लोग सतर्क रहना। दस सेकेंड्स में हमला कर देना। तुम्हारे मिशन में टांग नहीं अड़ाना चाहता, लेकिन मुझे बंदियों को छुड़ाना है। हमारे यहां कोई बंदी नहीं है। थर्मल डिटेक्टर ने जो दुश्मन बनाए हैं, वो सारे डमी हैं। टीम थ्री बताओ क्या बात है? टीम थ्री बताओ क्या हुआ? टीम थ्री बताओ क्या हुआ? चीफ, जल्दी से हेडक्वार्टर्स को बताओ कि हम लोग यहां पे फंस गए हैं। कैप्टन आपसे मिलना चाहते हैं। वो बता रहे थे कि आपने उन्हें रॉकेट टेस्ट करने के लिए बोला है। सुनो कैप्टन, ईएमपी को चालू करो। चाबी तुम्हारे पास है ना? यस सर, लेकिन आपने वापस लाने को बोला था। दरवाजा खोलो और उसे अंदर आने दो। ईएमपी
चाबियों को मिल गए। इसमें ईएमपी डिफेंस के कोड्स हैं, उसे तुम्हें छुड़ाना होगा। छुड़ाना कैप्टन। कैप्टन वक्त नहीं है। लगता है ऊपर तुमने बहुत मजे किए हैं। क्यों सुपर हीरो? ये अनाउंसमेंट साउथर्न सबस्टेशन सेंटर के लिए है। वहाँ मेडिकल टीम को भेजा गया है। जो भी घायल ऑफिसर है, वहाँ रख जाना होगा। लगता है तुमने जल्दबाजी में इस कंप्यूटर को शुरू किया था। तुम क्या ढूंढ रहे हो? ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम जो जी यिंग ने ढूंढा था, वो हमें सारे धमाकों की जानकारी दे सकता है। शायद इसको जमीन से कंट्रोल किया जाता हो, इसलिए उसे ढूंढ रहा हूँ। शायद हमें इससे कुछ ना कुछ मिल जाए। अब क्या तुम्हें मिल गया? मुझे इसके लिए बहुत सारी डिकोडिंग करनी होगी। इसके लिए मुझे अपने हैकर दोस्तों से मदद लेनी होगी। आ, 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 आ,
जानते हो इस पर कितना खर्चा हुआ है? मिलिट्री वालों ने इसे कितनी मुश्किल से बनाया था पता है? और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। तुम्हें लगता है मैं बुरा आदमी हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं इस हार्बर सिटी को दोबारा बनाने जा रहा हूं, पहले इसे मिटाकर इस शहर को बदलना होगा, इसे नए तरीके से बसाना होगा, और वो भी जल्द से जल्द, फौरन। तुम बुरे लोगों के खून से अपने हाथ रंग कर हीरो बनना चाहते हो ना, तो हमारे बिना तुम ये कैसे कर पाओगे? मैं सही तरीके से न्याय करने में यकीन रखता हूं। मैं तुम्हें मजाक समझता हूं, लेकिन अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम जैसे लोगों को खत्म करना ही मेरा फर्ज है। इस वक्त सारे बंदी ऊपर बंद हैं, तुझे एनक्यूएन के अलावा। अगर तुम चाहते हो कि रॉकेट को ना चलाया जाए तो तुम्हें इस बटन को दबाना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं रॉकेट नहीं छोड़ूंगा। या उन निर्दोष बंदियों को ऊपर ही मिल लेना, हर किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे जिंदा छोड़ दिया तो पछताओगे। अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जो मौका मिला है उसे बर्बाद मत करो। जल्दी चलो। सब लोग कृपया यहाँ ध्यान दीजिए। अब वो रात आ गई है जिस रात के अंधेरे में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। उसे हमसे क्या चाहिए? प्रोजेक्ट चाहिए। क्या? वो सारी टेक्नोलॉजी और सारे इंसानों को खत्म करना चाहता है। वो सारे दुश्मनों का अपहरण करके सबको युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। इसके लिए वो डिफ्यूज बायोलॉजिकल हथियार इस्तेमाल करने वाला है, और सारे दुश्मन खुद ब खुद मर जाए ताकि उसमें से कोई भी खुद को इससे बचा ना सके। हम पुलिस वाले हैं, ये जगह जल्दी खाली कर दो। ये सब हो क्या रहा है जबकि हमारा ये शहर इतनी बड़ी मुसीबत में है? मैं 5 सालों तक इसे बाहर नहीं आ पाऊंगा। हम लोग अपने आप को साबित करके ही दम लेंगे जब बहुत सारी जिंदगियां खत्म होने वाली हैं। सन 1918 में जो इन्फ्लुएंस वायरस आया था उसमें 5 लाख लोगों की जानें चली गई थी और उन सबको दफनाया गया था। ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हुआ था। मुझे नहीं लगता हम ये कर पाएंगे। ये काली मौत 1430 में आई थी जिसकी वजह से 75 लाख लोग मरे और फिर एक नई शुरुआत हुई थी। सुनो, हमारे पास 1 मिनट से भी कम समय है, अब क्या करें? आज तुम्हें अपने सारे गुनाहों को साफ करना पड़ेगा। वहां पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। नहीं, अभी भी वक्त है। ये एक तरह की नई काली मौत है। इराकांसी वायरस जल्द ही यहाँ आने वाला है। ये सबको आजाद कर देगा, लाल खून से ये सब कुछ साफ कर देगा। क्या कर रहे हो? 5 सेकंड बचे, अकड़ को जाने नहीं दे सकते। पुनर्जन का काम अब शुरू हो गया है। ये हमने क्या कर दिया सिंह? हमने कर दिया। बढ़िया।
रोना मत, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं होंगशिंग गाय ब्लैक हैंग से बोल रहा हूं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हालात बहुत खराब हो चुके हैं, हार्बर सिटी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रेसिडेंट आ गए हैं चीफ। इंटरनेशनल एजेंसी के मुताबिक अब चीफ कमांडर का पद आर्मी नेवी एयरफोर्स संभालेगी। अब बताओ यहां क्या चल रहा है? हम आपको ये बताना चाहते हैं सर, हमारा 2 घंटे पहले ही हार्बर सिटी से संपर्क टूट गया है। इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट कट गया है, सब बर्बाद हो गया है, सब नष्ट हो गया है। ये बताओ वहाँ बैकअप कब तक पहुँचेगा? अब हम वहाँ पे कोई भी बैकअप नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते हैं? हमें ये लग रहा है कि दुश्मन ने प्रोजेक्ट हेज शुरू कर दिया है। बायोलॉजिकल वायरस ये काम बहुत जल्दी शुरू कर देगा। एक बार अगर वह फैल गया तो हार्बर सिटी के सारे लोग और जानवर मर जाएंगे। हम लोग इस वायरस के बारे में और क्या जानते हैं? सुनिए सर, ये नए तरीके का बायोलॉजिकल हथियार है, उसको जिन लोगों ने बनाया था वो सारे गायब हो चुके हैं। सर, इसे कोई साबित नहीं कर सकता कि इरुकांसी का कोई अस्तित्व है। हमें इंटरनेशनल एजेंसी से यह पता चला है कि हमारे पैसों से ही यह हथियार बनाया गया था। उसने हमें बताया कि वो सब कुछ खत्म करने वाला है जिसके प्लानिंग वो इतने सालों से कर रहा था। मैं एक बार उसकी जाल में फंस भी गया था। मैंने सोचा था कि वो बटन दबाकर उसे मैं मार दूंगा, हम अभी पूरे शहर को बचा सकते हैं। ए, दुखी क्यों हो यार? मैं दुखी नहीं हूं। अब उन्होंने ईएमपी रॉकेट चला दिया है और हमें वायरस रोककर शहर को बचाना है। सोचना यह है कि उन्हें ढूंढा कैसे जाए। तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। ये लो, ये नई दवा है, यहाँ तक दवा पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। सुनो जीइंग, क्या तुम्हें झिंक के बारे में कोई खबर मिली है? मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। सब कुछ बंद होने से पहले जहाँ से बम छोड़ा गया था उस जगह पर पता चला है, लेकिन मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इस वक्त यहाँ पर बहुत अफरा तफरी मची है और मेरी बात यहाँ को सुन नहीं रहा है।
ग्रीन, तुम्हारे पास नक्शा है? नक्शा? हाँ है, वहाँ ऊपर। क्या यही वो जगह है? इसे तो बंद करके रखा है, ऐसे वक्त में इसे अकेला छोड़ दिया था। हॉटलाइन पे प्रेसिडेंट आपके लिए कॉल आ रहा है। गुड इवनिंग सर, मैं जो बोलूंगा वही आपको करना है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो? मैं एक नाइट वॉकर ट्रेनिंग ऑफिसर हूं, आर्मी के स्पेशल फोर्स से। यह नामुमकिन है, नाइट वॉकर्स की ट्रेनिंग बहुत पहले बंद कर दी थी। मतलब तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं? मैं तुम्हें बता दूं कि नाइट वॉकर्स की ट्रेनिंग गुप्त तरीके से चल रही थी। उन्हें सारे सबूत और गवाह मिटाने के लिए तैयार किया गया था। फिर जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो लोग इराकांसी बना रहे हैं, उसी वक्त मेरे पिताजी उस मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। तब मिलिट्री को एक गुप्त संदेश मिला और उन्होंने मुझे ही मेरे बाप को मारने के लिए भेज दिया। वो एक सैनिक की ईमानदारी जांचना चाहते थे। इन मिलिट्री वालों ने और क्या क्या किया है मुझे बताओगे? अब उन लोगों को दोष देकर कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम लोग अब यही कर सकते हो, जो कुछ भी तुमने इस दुनिया के साथ किया है बस वही मैं अब तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो, जल्द ही यहां काली मौत आने वाली है। क्या वो लोग शहर बंद कर रहे हैं कमांडर? सुनिए चीफ कमांडर, मेरे पास एक सुझाव है। आपको इस वक्त ऑर्डर देने होंगे, सारे के सारे टूटे हुए हाईवे पर पहरा बढ़ाना होगा। हमें यह देखना होगा कि उस शहर से कोई भी बाहर निकलकर इस तरफ ना आ जाए, नहीं तो इरुकांसी वायरस बहुत जल्दी फैल जाता है। उस शहर में कोई भी बचने वाला नहीं है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी और संपर्क कट जाएगा। अगर कोई कार से इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है, तो तुम मेरे लिए म्यूजियम से कुछ चुराने वाले हो। उन्होंने हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर हमें यहाँ छत पर बांध दिया। मुझे उस वक्त उन पर शक हुआ था, वहाँ हर जगह पानी ही पानी था। यहाँ का सेवर सिस्टम, हमें उस सेवर सिस्टम का पता लगाना है जहां से वो बंदियों को लाए थे। सिर्फ हेल प्रोब ही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकती है।
जा सकती है। क्या तुमने कल का लॉन्च प्लान बना लिया है? हार्बर शहर और आइलैंड के बीच में जो पानी है। लाओ मुझे दे दो। सुनो मैंने इसे ढूंढ लिया है। रास्ते से हट जाओ। एमपी सेंटर जो है मेन आइलैंड के सेंटर पार्ट में है। दोनों घूमने के लिए अच्छी जगह है। मैंने कुछ सुना। देखो यहाँ हमें ज्यादा सिग्नल मिल रहा है। वो हमारे करीब ही है। दरवाजा ढूंढो। ये रस्सी काम आएगी। सुनो उस पागल ने दू जियो जिंग को पकड़ कर रखा हुआ है। उसका भी कोई कारण होगा। तुम्हें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आखिरकार हमें दुश्मन मिल गया है और हम उनसे इससे लड़ेंगे। रुक जाओ। Ah!
का साथ दे रहे हैं मेरा। सुना, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी केबल देखी है। यहाँ पर लाइट क्यों है? पिताजी का है। हैप्पी बर्थडे प्यारे बेटे जाइंग। ये बर्थडे गिफ्ट मैंने ही उन्हें दिया था। ये नहीं हो सकता, मेरे पिताजी मर गए हैं, मैंने उन्हें दफनाते हुए देखा है। रूबेन बॉच ने मुझे 5 जुलाई को दोबारा कॉल किया था। उसने बताया कि वो खतरे में है और वो चाहता है कि इरा कांसी बनाने का फॉर्मूला उसे दे दूं। ये मेरे पिता की आवाज़ है। उसने मरने से पहले ये मैसेज छोड़ा है। अब हमें पता है इस वायरस से हम कैसे लड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन मिलिट्री वाले अब मुझ पर नजर रख रहे हैं। ये तब होने लगा जब मुझे नाइट वॉकर्स के बारे में पता चल गया था। लेकिन इसकी चिंता मुझे नहीं है। मुझे अगर चिंता है तो सिर्फ जिंक की है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं उसे खत्म कर दूं? मुझे नहीं लगता कि वो नाइट लीडर है।
बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए हैं। हमारे पास पूरा सबूत नहीं है तो हम अभी ये शुरू नहीं कर सकते। जरा रुको, इस तरफ रुको, इस तरफ। सैंग, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, बहुत देर हो गई है, तुम सब स्टेशन जाओ और बैकअप लेकर आओ, जाओ जल्दी। यही है, वो लोग वायरस इसके शरीर में डाल रहे हैं। उसके जन्म के बाद वो एक बायोलॉजिकल हथियार होगा। अपने बारे में बताओ। मैं वो जिंग हूं। हेलो, मैं डूजियो जिंग हूं। मैंने ये रिस्क सिर्फ इसीलिए लिया, इस जॉब के लिए। इसका कारण सिर्फ वही है। नहीं, पहले तुम जाओ। जाओ जाओ जिंग, जाओ जिंग, जाओ जिंग। तुम्हें डाफू ने बुलाया है। तो तुम मेरा इंतजार मेन आइलैंड पर नहीं कर रही थी जी? मैंने सही कहा ना? माय डियर सिस्टर, क्या ये सच में तुम हो? तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? मिलिट्री वालों ने मुझे मारना चाहा, उस पर बायोलॉजिकल हथियार का इस्तेमाल भी किया। इतने सालों में तुम क्या बन गए हो? ये कौन सी जगह है? तो वो तुम ही थे ना? पर क्यों? पिताजी ने मरने से पहले ये जगह छोड़ी थी, और इरा कांसी भी। वो यहां रहते थे और मिलिट्री वालों पर नजर रखते थे। उन्हें लगा था वो यहां महफूज हैं, लेकिन मिलिट्री वालों ने उन्हें मारने के लिए किसी को यहां भेजा था। तो ये सब तुम्हारा प्लान था? तो एक साल से तुम इसकी ही तैयारी कर रहे थे? तुमने ये सब बदला लेने के लिए किया? तुम्हें पता है कितने बेगुनाह की जान गई इसमें? क्यों कोई ये नहीं समझता कि ये कितना बढ़िया प्लान है? इसे कहते हैं जरूरी बलिदान। कभी कभी हमें बहुत से लोगों को मरते हुए देखना पड़ता है। नया जन्म बर्बादी के बाद ही तो हो सकता है। मैंने इसे बड़ी सावधानी से प्लान किया है। इसके लिए तुम्हें मुझ पर गर्व होना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम मेरे वो भाई नहीं हो जो एक बहादुर और बहुत अच्छा इंसान था। तुम अब वैसे नहीं रहे। मैं तुम्हें अरेस्ट कर रही हूं। अगर पिताजी यहां होते तो वो भी वही करते। पिताजी कभी ऐसा नहीं करते। चलाओ गोली, शूट करो मुझे।
किया? क्यों क्या यार, ऐसा क्यों किया? मेरा यकीन मानो, कल तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने जो किया है सही किया है। वायरस के तैयार होने का रेट मुझे बताओ। वायरस के तैयार होने का रेट मुझे बताओ। ओवर। आईडी दिखाओ। ऑफिसर सिंह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो। क्या तुम्हें दाफू मिला? मिला, और वो सलामत है। पूरे साल भर दाफू सिर्फ तुम्हारे बारे में बता रहा था कि तुमने कैसे एरोप्लेन को बचाया। हमारे गांव के सारे बच्चों को ये कहानी याद है। क्या तुम्हें पता है कि इतने दिनों तक यहाँ मैं कैसे रह पाया? अपनी ईमानदारी से। अब हम खतरे में हैं। कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं हमेशा पुलिस वालों को गुड बाय बोलता हूँ। चलो मिलते हैं। ज़ियाउ सिंह, तुम्हारे अंदर जो वायरस है वो इस वक्त तो कुछ भी नहीं करेगा। वैसे हमने पूरी कोशिश की है, अब इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम लोगों को तो सिर्फ उस वायरस को मिटाना है। ये कितने जोर जोर से लात मार रहा है। मेरे बच्चे का क्या होगा? दाफू का क्या होगा? क्या मैं उसे आखिरी बार मिल सकती हूँ? हमें भी उसके बारे में ठीक से पता नहीं है कि जुड़ाफू अब किस हॉस्पिटल में है। इस शहर की सारी संपर्क सुविधा पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अगर हम उसे इस वक्त ढूंढना शुरू भी कर दें तो भी बहुत देर हो गई है। मुझे माफ कर दो। ऑफिसर सिंह, मुझे यकीन है तुम उसे ढूंढ लोगे। उसे बताना कि बेटी हुई थी, उसे जरूर बताना। पिछला साल जिंदगी का खुशनुमा साल था। अगर वो इतना बहादुर नहीं होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि खुशी का मतलब क्या होता है। अगर मुमकिन हो तो हमें ज्यादा तड़पने मत देना। मैं अपने बच्चे को डराना नहीं चाहती। थैंक यू। Hey, जिंग, तुम कहां जा रहे हो? उसे आखिरी बार जुड़ाफू से मिलना चाहिए। मैंने अंदर क्या बोला तुमने सुना नहीं? बहुत देर हो चुकी तो है। क्या हुआ बताओ? क्या हम हमेशा इस औरत के पास बैठकर इसे देखते रहेंगे?
तुम किसे ढूंढ रहे हो जिंग? जिंग, जिंग। क्या बात है ग्रीन? लेन और मैंने पता लगाया कि बॉम्ब कौन मॉनिटर कर रहा है। अगर वो हमारे हाथ लग जाए क्या? तो शायद हमें इस वायरस के बारे में और भी कुछ पता चलेगा। चलो रास्ता बताओ। सुनो सिंह, मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। ये खतरनाक है, तुम यहीं रहो। सुनो सिंह, मैं पुलिस में सिर्फ तुम्हारे लिए भर्ती हुई हूँ। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो तुम इसकी जिम्मेदारी संभालो, इसका ख्याल रखना। मेरे वापस आने तक कोई इसे हाथ ना लगाए और चिप को बता देना। इस वक्त यही जरूरी काम है। चलो। जी सिंह, किस लिए? जी सिंह, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने मेरी गर्दन में कुछ घुसा दिया था। क्या वो वायरस? मुझे नहीं लगता वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा भाई है, लैंग्स आईएन है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरे पिताजी ने रिकॉर्डिंग में कहा है कि वायरस का एक एंटीडोट भी है। वो एंटीडोट क्या है? तुम एंटीडोट जानते हो? तुम्हारा मतलब इस वायरस का इलाज है? शायद उसने मुझे वही दिया है। ये दवा उस वायरस के खिलाफ काम करती है। मैं भगवान हूँ, मैं हार्बर सिटी को नया जन्म देने वाला हूँ। सारे धमाके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर ही हुए हैं। अगर सुरंग बर्बाद हुई तो हार्बर सिटी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये है नई काली मौत, जल्द ही ये तुम्हारी ओर आ रही है। तो ये बात है, उसने शहर को बंद करके वायरस को छोड़ दिया है। सिर्फ उसी के पास वो एंटीडॉट है। अगर वो एक साथ इतनी दवा बना लेता है तो उसके हाथ में सारी पावर और सत्ता होगी। सुनो जिंग, मैं जानता हूं वो हमें कहां मिलेगा। शहर में अभी भी उस जगह पर लाइट है। चीफ, किसी ने ये कहा है कि वो 15 मिनट में सब कुछ बर्बाद कर देगा। क्या हो रहा है? जीपीएस की मदद से ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या वायरस फैल गया है? हम ये
यकीन से तो नहीं कह सकते, वो वायरस शायद प्रेग्नेंट औरत के अंदर उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है। ओ, ऐसा है, वो वायरस प्रेग्नेंट औरत के अंदर है। हमें सैटेलाइट से तस्वीरें मिल रही हैं। अब ऐसा लगता है कि टारगेट उसी जगह पे रुक गया है। ओ, ये तो ईएमपी सेंटर है। मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं। मुझे लगता है कि ये ईएमपी की लॉन्च साइट है। मैं आखिरी बार संपर्क कर रहा हूं। मैं ब्लैक हॉन्ग से हॉन्ग शी काई बोल रहा हूं। तुम्हें बड़ी आबादी वाली सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। तुम अब पूरी दुनिया को बदल देने वाली हो। खुश हो ना? के बाद सी एरिया पे मिलेंगे। मैं रॉकेट तैयार कर रहा हूं। हमले के लिए तैयार रहो। वो लोग समंदर के पास मेन आइलैंड पर जा रहे हैं। तुम तैयार रहो, हमें उनसे लड़ना पड़ सकता है। यस कमांडर। वो लोग शरीर में वायरस रखते हैं, शायद अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्यों ना हम अपने ईएमपी सेंटर्स को ही उड़ा दें? इससे वो वायरस कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा और लैंसिंग खुद ही पीछे हट जाएगा। अपने फाइटर्स प्लेन्स को उन्हें उड़ाने के लिए भेज दो। इसके लिए तो हमें 3 साल लग सकते हैं। उनका ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को हमें किसी भी हालत में बंद करना होगा। ईएमपी सेंटर में फाइल्स और कोड सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो लोगों को नई जिंदगी देने वाला है, और उसने हम लोगों को यही बात बताई है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो अभी सबको उड़ा सकता है। हमें एक बहुत बड़ा फैसला करना होगा और उसे उड़ाने का प्लान बनाना होगा। इसके बाद क्या हम नया ईएमपी सेंटर बनाएंगे? उस जगह पर हम फाइटर प्लेन भेजेंगे तो सारे लोग मर जाएंगे। रॉकेट उड़ने के लिए तैयार है। यहाँ से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। हम 100 माले तक लिफ्ट से जा सकते थे, और हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं है। अभी हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई कंट्रोल रूम है। शायद ये तुम बेहतर कर सकते हो। क्या हमारे पास यही रास्ता है? चलो इसी रास्ते से जाना होगा। जरा सुनो, ऊपर चढ़ने में मेरी मदद करो। यहां से गिरेंगे तो हड्डियां तक नहीं बचेंगी। ये 100 फीट से ज्यादा ऊंचा है। मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बनूंगा। अगर हम उसे अभी नहीं उड़ाएंगे तो ईएमपी हमें उड़ा देगा, फिर वायरस सभी जगह फैल जाएगा। बस यही एक मौका हमारे पास बचा है। हमें मैसेज मिला है,
ब्लैक हॉक से होंग शिकाई ने भेजा है। होंग शिकाई हार्बर सिटी में ही है। उसे बाकी सारी एमपीज का वहां पर पता चल गया है। अभी भी हमारे पास टाइम है उसे रोकने का। ठीक है, अब हमारे हाथों से यह दूसरा मौका भी चला गया है। मैं इसे नहीं मानता। इस जगह के अलावा इस शहर में और कुछ भी नहीं बचने वाला। क्या सोच रहे हो तुम लोग? तुम लोग चाहते हो कि वो वायरस इस पूरे शहर में फैल जाए? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। सुनिए, इन शहरों को हम सब ने बनाया है और हम सब लोग अभी भी यहां जिंदा बचे हुए हैं। हमें ऐसे खतरों से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। एक बात और, हमें बलिदान देना होगा। उस वायरस की वजह से हर इंसान डरा हुआ है। सुनिए, हम सबको इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो। बहुत सारे लोग वहां फंसे हुए हैं। एयरफोर्स को खबर कर दो कि उस ईएमपी सेंटर को उड़ाना है। क्या तुम ब्लैक हॉक से हो जो तुम हमारी तरह हो? तुम सिर्फ अकेले बचे हो। वायरस का रेट अब 95% तक पहुंच गया है कमांडर। वो 10 मिनट के अंदर बाहर आने को तैयार होगा। सोचा नहीं था तुम यहां तक पहुंच जाओगे। पुनर्निर्माण के इस काम में स्वागत है। होश में आओ लेंसियन। जी जेंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। न्याय का मतलब है लोगों की रक्षा करना, ना कि मासूमों को जान से मारना। अब बंद करो ये सब। मुझे रोकने के लिए तुम क्या कर सकते हो? इस काम में बहुत हिम्मत लगेगी। हमारी हिम्मत देखोगे तो पछताओगे। मौका देखते ही इसे एंटीडोट छीन लेना। क्या तुम इससे लड़ सकते हो? तो मेरी चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए इससे एंटीडोट हासिल करना है। ठीक है। तुम जाओ। अभी हमला करो।
कैंसिल है। प्लीज एंटर द पासवर्ड। अपना पासवर्ड एंटर करें। कैंसिल करने के लिए आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। कृपया कैंसिलेशन पासवर्ड डाल दीजिए। क्या आप इस उड़ान को रोकना चाहते हैं? ये लॉन्चिंग सिस्टम रोक दिया गया है। आपसे हमला करने की इजाजत चाहते हैं। अंदर आ गए हैं। हम लोग शूटिंग रेंज के अंदर हैं और हमें परमिशन चाहिए। अभी हमला करो। कॉपी, अटैक। वो एंटीडॉट। जिंग और वॉन को लेकर आओ। ठीक है, जाओ। बहुत दूर है, जाओ। तुम पागल हो क्या? जल्दी जाओ। क्या आप ठीक है? चिंता मत करना, मेरे पास सिर्फ 30 घंटों का एक्सपीरियंस है। क्या करूं? लेकिन ये तो पूरी तरह अलग है। दूसरा फाइटर प्लेन अपनी पोजीशन पर है। मेरे साथ चलो लैंथियन, चलो। क्या तुम मुझे अरेस्ट कर रहे हो? तुम भगवान को इंसानों की सजा नहीं दे सकते। वो वायरस सब पूरी तरह तैयार हो चुका है। तुम जियाओ एन को कहां ले जा रहे हो? दो मारो, जल्दी से टेक ऑफ करो। जल्दी हेलीकॉप्टर में आ जाओ, बिल्डिंग अब गिरने वाली है। सुनो, याद रखना, तुम जहां भी जाओगे मैं वहां जरूर आऊंगा। No!
सब बच गए। बिना दवाई के तुम तो मुझे ही दोष दोगे ना। है? अब क्या बात है? सोचो मेरे जैसा होशियार आदमी अपनी जिंदगी ऐसे ही थोड़ी खतरे में डालेगा। जेंग, पूरी दुनिया में अब बस यही बची है। दे दो, मुझे दे दो, दो। ज़ियाओ सिंह, मेरे पास एंटीडोट है। ऑपरेशन डॉन के लिए फाइटर प्लेन है, कृपया इस हेलीकॉप्टर की आप लोग आइडेंटिटी बताइए। मैं ईस्टर्न सबस्टेशन से इंस्पेक्टर चैन बोल रहा हूँ और जिंग सदर्न सबस्टेशन से। हमें एंटीडॉट मिल गया है और हमने उस वायरस को खत्म कर दिया है। रिपीट करता हूँ, वायरस खत्म हो गया है, उन हमलों को अब रोक दो। आज भी हमें सुनाई देता है हमें हमेशा अच्छा इंसान बनना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हम लोग लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे। शहरों को बनाने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं, क्या हमें ऐसे ऐसे ही चलने देना चाहिए? क्या हम ये दोबारा होने देंगे? हम लोग अपनी सारी मान्यताओं को भूल जाते हैं। हमारा बुरा वक्त अब चला गया है, लेकिन हम लोग इस अंधकार को कभी नहीं भूल सकते हैं। वो अंधेरा सूरज के उजाले की वजह से दूर भाग गया है, लेकिन जो भी हो, शाम तो वापस होने ही वाली है और हमारे पास उम्मीद की किरण हमेशा रहेगी। तुम में जब तक हिम्मत है, तब तक सूरज हमेशा ही चमकते रहेगा। ये आपकी बच्ची, इसे इस तरह पकड़िए, ध्यान से। जरा इसे देखो, देखो, देखो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है ना? ये एक लड़की है, तुम्हारी तरह ही खूबसूरत होगी, है ना? हेलो ऑफिसर। सर, मैं वो जिंग जिया हूँ। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। थैंक यू। सदर्न डिस्ट्रिक्ट की सारी यूनिट्स बैकअप के लिए पहुंच जाए।
तो तुम यहाँ पर हो हा? मैं जब भी ड्यूटी पर जाता हूँ मुझे मेरी कार की याद आती है। लगता है अभी अभी ये कार ली है तुमने। जब मैं ड्यूटी पे था तो मेरी कार खराब हो गई थी, मेरे ऑफिस से मुझे ये नई कार मिली। मुझे भी, उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने मेरी कार को उड़ाया था। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूँ ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरी सदर्न डिस्ट्रिक्ट में अभी अभी एक इमरजेंसी हुई है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट में अभी अभी एक इमरजेंसी हुई है, ये ईस्टर्न सब स्टेशन से चैन है। चलो हमें वहां पहुंचना होगा, चलो जल्दी, किसका इंतजार कर रहे हो?